ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इस टॉपिक में चलेगा ब्रह्मांड से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। जियो सेंट्रिक थियरी, पृथ्वी केंद्रित अवधारणा। पृथ्वी केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। 140 ई फ्लाइडियस टालमी ने दिया है। नेक्स्ट है सूर्य केंद्र में सिद्धांत दिया 1543 में निकोल्स कापरनिकस ने। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य केंद्र में स्थित है तथा सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगाओं को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत पर अर्थात महाविस्फोटक का सिद्धांत या सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटेयर बेल्जियम के पादरी ने दिया। विस्फोट, आकाश गंगा प्लस तारे प्लस ग्रह से उपग्रह। ब्रह्मांड आकाश गोला से कहा जाता है। 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था जिसमें विस्फोट के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड आकाश गंगा प्लस तारा ग्रह उपग्रह से बना है। आकाश गंगा गैलेक्सी, हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है। अरबों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला अर्थात मिल्क वे मंदाकिनी आकार सर्पिलाकार है। आकाश गंगा सूर्य, इसमें मंदाकिनी, इसके निकट एक आकाश गंगा पाई जाती है। सबसे नज़दीकी ग्रह गैलेक्सी है, देवरानी आकाश गंगा कहा जाता है। हमारी आकाश गंगा में सबसे चमकीले तारों का समूह आर्य नेबुला कहलाता है। सौर मंडल सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को मिलाकर सौर मंडल का निर्माण होता है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है। 8 ग्रह इसमें है, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड है। सौर मंडल की खोज गैलीलियो ग्रहों की गति के नियम पर केपलर ने किया। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। हमारी आकाश गंगा की 100 अरब तारों में से एक है। हमारे सौर मंडल को ऊर्जा एवं प्रकाश प्रदान करता है। द्रव्यमान 99.8% है। सूर्य क्रीट, सूर्य की सबसे वायतम परत जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाती है। प्रकाश फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल सामान्य रूप से देखने वाली सूर्य की बाहरी परत है। ताप इसका 6000 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। ताप इसका 1.5×10^7 डिग्री सेल्सियस होता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया कोर में ही होती है। सन अर्थात सूर्य प्रकाश मंडल, सौर मंडल और सौर कलंक कहलाता है। इसको बनने में 11 वर्ष का समय लगता है। इसको समाप्त होने में भी 11 वर्ष का समय लगता है। कुल 22 वर्ष इसमें लगता है। सौर कलंक प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले काले रंगों का धब्बे को सौर कलंक कहते हैं। इसके बनने का कारण सौर ज्वालाएं होती हैं। ये वायुमंडल में रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करती हैं जो कि पृथ्वी के NP और SP पर ही दिखाई देती है। जब सौर जलाएं पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो बेतार संचार को प्रभावित करती हैं। सूर्य हमारे अर्थात गैलेक्सी मंदाकिनी की परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष पूर्व में पूरी करता है। इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। इसके एक खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्राक्सिमा सेंचुरी है।
4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। पृथ्वी से देखने वाला सबसे चमकीला तारा सीरियस अर्थात सायरस है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम गैस पाई जाती है, 2.5% अन्य गैसें होती है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा होता है। ग्रह वृक्ष गोली पिंड जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की संख्या 8 इसमें है, ग्रह 8 हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी में ग्रहों का क्रम, इसमें ट्रिक है भाजपा की मायावती जैसे खाती है सब खाती है, से बा से बुध, सा से शुक्र, प से पृथ्वी, माँ से मंगल और वा से बृहस्पति, सा से शनि, ए से अरुण, बी से वरुण, इसमें 8 ग्रह। ग्रहों के आकार का घटता हुआ क्रम, बस अब पशु में बुध, बा से बृहस्पति, सा से शनि, आ से अरुण, वा से वरुण, प से पृथ्वी, सु से शुक्र, मे से मंगल, भू से बुध। ग्रहों का घनत्व, पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व 5.51 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, जल का घनत्व 1 ग्राम/सेंटीमीटर, शनि का सबसे कम 0.69 ग्राम तक है। आंशिक ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, वरुण। ग्रहों की गति 2 प्रकार की होती है, एक अक्ष और एक कक्ष। अक्ष में घूर्णन, कक्ष में परिक्रमण करता है। सूर्य और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य व शुक्र व अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। बुध मरकरी सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह और सबसे छोटा ग्रह यही है बुध। घूर्णन काल 58 दिन, परिभ्रमण काल अर्थात परिक्रमण काल 88 दिन, सबसे कम समय में परिक्रमा करता है। सर्वाधिक तापांतर यही होता है दिन में 14.67 डिग्री सेल्सियस, वायुमंडल इसमें नष्ट है, रातें बर्फीली दिखाई देती है 170 डिग्री सेल्सियस।